हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज है 14th मार्च और होली बस आने ही वाली है और उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। ऑलरेडी मैं एक जो है नमकीन की आलू भुजिया की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज फिर से मैं कुछ बनाने वाली हूँ। बीच में 2 दिन थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी इसलिए कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाई, बट डेली के डेली मैं कुछ ना कुछ बना के रखने वाली हूँ ताकि फिर, तो इसीलिए मैं एक हफ्ता पहले से ही प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ ताकि धीरे धीरे करके मैं कुछ कुछ चीज़ें बना के रखती जाऊँ। तो अभी नमकीन तो बन चुकी है और आज मैं सोच रही हूँ कि जो मैदे वाली चीज़ होती है जैसा नमक पारा और शक्कर पारा वो बनाऊँ। तो देखती हूँ कि नमक पारा बनाती हूँ या मट्ठी बनाती हूँ उसकी जगह पर शक्कर पारे थोड़े से बनाऊँगी क्योंकि सिद को भी थोड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े बहुत खा लेता है, तो उनमें से मैं कुछ चीज़ बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल अभी सुबह सुबह का समय है और काम सारे मुझे निपटाने हैं क्योंकि क्या है, मैंने कुछ ब्लॉग्स पहले मेंशन किया था कि पूजा जो है 2 दिन से नहीं आई है। एक्चुअली पूजा ने काम ही छोड़ दिया है, वो मतलब उसके हस्बैंड ने शायद काम वगैरह करने से मना कर दिया, इसलिए उसने सारे जो घर के हैं काम छोड़ दिए हैं। तो ये उसने 2-3 दिन बाद बताया जा करके, तो मतलब 1 हफ्ता 8 दिन हो गया है तो सारा काम अभी खुद ही करना पड़ रहा है, कोई दूसरी मेट भी नहीं मिली है, तो इसीलिए थोड़ा मेरा वीडियोज़ वगैरह भी डिले हो रही हैं। और अभी मैंने एडिटिंग करके सिद का एक ब्लॉग डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके उसको चेक कीजिए। हम घूमने गए थे पार्क में, तो पार्क में जो भी हमने मस्ती की बस वो रिकॉर्ड करके वो डाली है, तो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चेक करके आइए। और ये है सुबह सवेरे की हालत, तो रात के बर्तन तो रात को ही निकल जाते हैं लेकिन अभी सुबह मैंने लंच वगैरह बनाया है और चाय वाय के सारे बर्तन हैं, तो ये इतने बर्तन हैं जिनको अभी क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है। तो ये सब कुछ क्लीन वगैरह करने के बाद ही मैं काम पे लगूंगी, कुछ कर सकती हूँ तो उसके बाद देखती हूँ कि क्या करना है। फ़िलहाल तो किचन क्लीनिंग करनी है। एक तरफ मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े भी थोड़े इकट्ठे हैं, और दूसरी तरफ मैं जा रही हूँ किचन क्लीनिंग के लिए। आवाज़ आ रही होगी आपको शायद पानी की, क्योंकि अभी पानी टब में फिल हो रहा है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि आपका घर छोटा सा है और किचन भी छोटा सा है तो आपको मेट की क्या ज़रूरत है, और बड़ी फैमिली भी नहीं है, बस हम 3 लोग हैं तो मेट की क्या ज़रूरत लगती है। लेकिन सच में मेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे, क्योंकि सिर्फ घर का ही काम नहीं है, मतलब जो हम मॉर्निंग टू नाइट तक काम करते हैं सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके साथ साथ सिद्धार्थ की स्टडीज़ हैं, उसके बाद होता क्या है कि यूट्यूब के काम में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी टाइम टेकिंग जॉब है, तो बहुत ज़्यादा समय मुझे उसमें भी लग जाता है। मेरे घर में बर्तन भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही निकलते हैं, ज़्यादा निकल जाते हैं, और मेरा थोड़ा ये है कि जो काम मेड 1 घंटे में करके चली जाती है मैं जब उसको करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे डबल टाइम लग जाता है, 1 घंटे का काम में मुझे 2-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने घर का काम अपने तरीके से करते हैं, एक एक प्लेट, एक एक चम्मच, एक एक कटोरी बहुत ही अच्छी तरीके से मांजते हैं, फिर उसका साबुन अच्छे से निकालते हैं, तो बेसिन अच्छे से मांजना, हर चीज़ को अच्छे से क्लीन करना, इसी सब में दुगना टाइम लगता है। तो इसीलिए अगर मेरा हाथ लगता है बर्तनों में तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए ये बेसिक काम करने के लिए जो है मैंने मेट को रखा है और अभी भी मेट को ढूंढ रही हूँ, जैसे मिल जाएगी तो मैं फिर से मेट लगा लूँगी। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ आप बर्तनों के लिए रखो तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और जल्दी से कोई मेट आती भी नहीं है, लेकिन
अगर आप बर्तनों और झाड़ू पोछा दोनों के लिए रखो तो जल्दी से काम मतलब ले लेते हैं, जल्दी से मेड मिल जाती है, तो इसीलिए मुझे झाड़ू पोछा के लिए भी मेड रखना पड़ रहा है। अदरवाइज झाड़ू पोछा तो लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ दो रूम्स हैं। मेन जो है वो बर्तनों का चक्कर पड़ता है, लेकिन मेड जल्दी मिलती नहीं है अगर आप सिर्फ बर्तन के लिए बोलो तो, इसीलिए पूरा काम ही मैंने दे रखा है। और अभी सर्च चल रहा है, देखो मेड कब मिलती है। ठीक, तो जब तक मैंने यहाँ पे किचन क्लीन किया तब तक एक लॉट जो कपड़े हैं वो मेरे धुल के तैयार हो गए, तो उनको भी सूखने में डाल दूंगी। जितनी सुबह सुबह कपड़े धुल जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि धूप रहती है तो सूख जाते हैं। और गर्मियों में तो मैं इवनिंग टाइम में ही हमेशा कपड़े मशीन लगाती हूँ, वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरा जो बालकनी है उसमें बहुत ज़्यादा धूप रहती है तो कपड़े ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं हमेशा इवनिंग में लगाती हूँ मशीन, कपड़े डालती हूँ, सुबह 10-11 बजे तक कपड़े उतार लेती हूँ, तो इस तरीके से ज़्यादा धूप भी नहीं लगती और ठंडे ठंडे में मेरे कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आपको सुबह सुबह ही डालने पड़ते हैं ताकि अच्छी धूप लग जाए दिन भर और शाम को आप कपड़े उतार लो। तो इसीलिए जो है विंटर्स में मॉर्निंग में मेरा मशीन लगाने का टाइम होता है और समर्स में इवनिंग में मैं हमेशा मशीन लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग की बारी। मीन वाइल सिद्धार्थ की डिमांड पे बन रहा है यहाँ पे पास्ता, और पास्ता मेरा थोड़ा सा कम था तो मैंने पास्ता और माइक्रोनी दोनों मिक्स करके बॉईल कर लिया है यहाँ पे। और उनका खाने का मन था कि मुझे पास्ता खाना है, पास्ता खाना है, तो फिर बीच में रुक करके मैंने फटाफट उनके लिए पास्ता बनाया।
पोछा लगाने के बाद बस सीधे नहाने के लिए मैं जाती हूँ हमेशा, तो इसीलिए हमेशा लास्ट में ही पोछा लगाती हूँ मैं। और आफ्टर बाथ बेसिक सा जो मेकअप नहीं कहेंगे, बेसिक सा लिपस्टिक और काजल तो हम डेली ही लगाते हैं, तो लिपस्टिक काजल तो बिल्कुल नहाने के बाद लगाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने सिंदूर लगाया, आपने देखा होगा, मेरे बहुत सारे व्यूअर हमेशा कमेंट करते हैं कि आप क्या सिंदूर नहीं लगाते हो और आप क्यों नहीं लगाते हो सिंदूर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं डेली की डेली सिंदूर लगाती हूँ, बस सिंदूर मैं थोड़ा बालों के अंदर करके लगाती हूँ, इसीलिए वो बाहर से विजिबल नहीं होता। और मेरा जो सिंदूर है वो मरून कलर का है एट प्रेजेंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ। हालांकि मैंने अपनी एनिवर्सरी के टाइम में नया लिक्विड सिंदूर जो कलर बार का रेड कलर का आता है वो मंगवाया है, पर उसे मैं ना कभी कभी यूज़ करती हूँ। मुझे डेली बेसिस पे जो पतंजलि का आता है मरून कलर का सिंदूर वो लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो फैलता नहीं है। मेरी क्या आदत है, मैं हमेशा अपना फेस रब करती रहती हूँ, आइज़ रब करती रहती हूँ, तो इस वजह से मेरा सिंदूर हमेशा फैल जाता है। अगर मैं उसको ज़्यादा थोड़ा बाहर करके या फोरहेड पे लगाऊं तो फैल जाता है वो पूरे चेहरे पे, तो मैं बिल्कुल बालों के अंदर अंदर ही सिंदूर लगाती हूँ, इसीलिए शायद आप लोगों को उतना दिखता नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक शादी के बाद शायद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं भूली भी हूँ। जैसे कि हम सांस लेना नहीं भूलते, वैसे ही मैरिड वुमेन, मुझे लगता है कोई भी वुमेन जो है वो सिंदूर लगाना नहीं भूलती होगी, तो उसी तरीके से नहाने के बाद डेली बेसिस पे सबसे पहला काम मेरा सिंदूर लगाना ही होता है। और अक्सर क्या होता है, जब भी मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ रेडी होने की या आफ्टर बाथ जो भी मैं व्लॉग थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, तो उस समय तक मैं सिंदूर लगा चुकी होती हूँ, तो आप शायद उसमें नहीं देखते हैं, तो बाकी का मेकअप मैं करती हूँ वो आप देखते हैं, लेकिन सिंदूर क्या होता है, मैं सीधा बाथ से निकलने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होता है मैं सिंदूर लगाती हूँ। अगर मुझे लेंस पहनने हैं तो सिंदूर लगाने के बाद फिर मैं लेंस पहनती हूँ। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा, मैंने सोचा मैं बता देती हूँ वीडियो में ही, Q&A तक मैं क्यों वेट करूँ अभी बता देती हूँ, क्योंकि इस बीच मुझे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल गए जिसमें था कि आप सिंदूर क्यों नहीं पहनते हो या आपको पहनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं सिंदूर पहनती हूँ एकदम डेली बेसिस पे, और सुबह से इतना काम करते करते काफ़ी थकावट सी हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना सिद्धार्थ के साथ मैं बैठूँ 10-15 मिनट, तो बस उसके साथ मैं बैठी हूँ। और मैंने जो उसकी आज वीडियो डाली है, तो सो रहा था उस टाइम जब मैंने उसकी वीडियो उसके चैनल पे डाली, तो मैं वो वीडियो दिखा रही हूँ उसको कि देखो मैंने डाली है, और उसके साथ साथ इसके बाद मैंने उसको कमेंट्स भी रीड करके सुनाए थे कि ये लिखा है सबने। तो यही थोड़ा 10-15 मिनट मैंने उससे की बातचीत, और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना काम लेके बैठ गई और उसको मैंने ड्राइंग में बिज़ी कर दिया। तो ड्राइंग कर रहा है वो और मैं थोड़ा सा ऐसे ही, एक्चुअली टाइम निकालना पड़ता है दिन में मुझे बीच बीच में अपने यूट्यूब के काम के लिए, जैसे कि अभी मेरा रेस्ट करने का मन है, थोड़ी देर थक गई हूँ मैं फिज़िकल वर्क करते करते, तो मैं थोड़ी देर इस तरीके से बेड पे बैठ करके आराम भी कर लेती हूँ, और साथ ही साथ अपने 2-4 काम जो यूट्यूब के हैं वो भी निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी, थोड़ा सा थकावट दूर हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं अपने और काम स्टार्ट करूँगी। तो इसी तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ता है काफ़ी, जब बच्चों का छुट्टी चल रही हो उस टाइम तो बहुत ही बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हर समय जो है अटेंशन चाहते हैं, उनको हर समय खेल खिलवाड़ सब यही सब लगा रहता है, तो इसीलिए उनको भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो जितना समय पे सारा काम निपट जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही आप अपना टाइम सेव कर पाओगे जितना आप टाइम पर काम निपटाओगे। तो बस वही उधेड़ बुन चलती रहती है दिन भर। पोछा वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर फ़ैन को ऑन करके छोड़ देती हूँ रूम में, ताकि जल्दी से सारा जो गीलापन है वो सूख जाए। उसके बाद फिर वही चीज़ें अपने प्लेस पे करती हूँ, कारपेट बिछाना, डोरमेट सेट करना, यही सारा करने के बाद फिर मैं किचन में लगूँगी, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है तो फटाफट मुझे खाना बनाना है। खाना मैं काफ़ी सिंपल सा रख रही हूँ, दाल चावल। दोपहर में मेरे यहाँ मोस्टली 99% ऑफ द टाइम राइस ही बनता है, तो अरहर की दाल बन रही है, चावल बन रहा है, और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ आलू और ग्वार की जो फली आती है, मैंने एक बार बनी बनाई दिखाई थी तो आप लोगों ने बोला था कि इसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा, तो आज मैं आलू और ग्वार की फली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बनने वाली है। तो लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है, और 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाला है ज़ीरा।
ज़ीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ पे लहसुन। लहसुन मैंने चॉप करके रख लिया है दाल तड़के के लिए भी और सब्ज़ी के लिए भी। तो थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर दी है और बाकी का दाल तड़के के लिए मैंने चॉपिंग बोर्ड पे छोड़ दिया है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, लहसुन को हल्का सा ये कलर चेंज कर दे फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑनियन। तो ये एक बड़ा ऑनियन है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद ये 3 से 4 जो हैं आलू हैं बड़े साइज़ के, इनको मैंने ले लिया है और थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट इसी तरीके से प्याज के साथ इसको भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा, कोई पिंक या रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और बस ये जो बेसिक से मसाले हैं मैंने वो मिला दिए हैं। हल्दी डाली है मैंने थोड़ी सी, मैंने इसमें धनिया का पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और लगभग 1 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पे चना मसाला, जो MDH का चना मसाला होता है, वो ऐड कर दिया है। और ये ग्वार की फली है जिनको बना करके धो धा के मैंने रखा हुआ था और बीच में से 2-2 टुकड़े भी कर दिए हैं फली के। उसके बाद ये ऐड कर दिया है मैंने और 2 टमाटर मैं इस तरीके से डाल रही हूँ इसमें, मैं इनको कट करके नहीं डाल रही हूँ। जब ये इसी के अंदर स्टीम हो जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे तो मैं फोड़ दूँगी, तो उसका जो टेस्ट होता है सब्ज़ी में वो बहुत अलग आता है। तो ये डाल दिया है मैंने, नमक डाल दिया है और बस ये सब्ज़ी तैयार है। और सब्ज़ी बनने के बाद कैसी दिख रही है ये मैं दिखाना बिल्कुल भूल गई। सब्ज़ी जब हो गई थी तो मैंने जो टमाटर थे उनको उसी में फोड़ दिया था, तो अच्छा सा एक प्यूरे टाइप का हो गया था सब्ज़ी के अंदर। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती भी ऐड कर दी थी। तो बस सब्ज़ी फाइनल हो गई थी और अब हम लंच करने बैठे हैं। और सिद्ध को जो है वो जब भी येलो राइस बनती है तो वो उसमें कोई सब्ज़ी लेना नहीं चाहता है, तो वो बस दाल चावल खा रहा है। और ये है हमारी डिलीशियस लंच थाली, मैंने आज थाली भी सजा करके नहीं दिखाई सब कुछ। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।